बढ़ती ये समस्या, कौन सी समस्या? क्लाइमेट चेंज की, जो लगातार लोगों को सता रही है। हमारा जो टेम्परेचर है लगातार बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। आखिर होगा क्या आने वाले कुछ सालों में? बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, वहाँ पे प्लेज लिए जा रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, बात ये हो रहा है कि कार्बन जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा अमाउंट जो हम इसको रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, इसको कम करना है। पर एक और तरीका है कि हम लोग जो कार्बन को रिलीज किए हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग ट्रैप कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, आप लगातार ये सुनते आ रहे होंगे कि चलिए कम करते हैं, कार्बन इमिशन कम करते हैं, कार्बन इमिशन कम करते हैं। लेकिन जो इमिशन कम हो चुका है, चलिए हम उसको वापस सॉयल में, जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। हाँ, आपने सही सुना, ये जो आज टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो है कार्बन फार्मिंग का। कार्बन फार्मिंग होता क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे। देखिए, फार्मिंग है तो यहाँ ऑब्वियस है, इससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम कुछ बात करने वाले हैं। और एग्रीकल्चर में देखेंगे लगातार अलग अलग जो भी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है और एटमोसफेयर में जाता है। ना सिर्फ एग्रीकल्चर, हैवी इंडस्ट्रीज हो गए या अदर जो भी मीन्स हैं जिसके कारण यहाँ पे कार्बन इमिशन हो रहा है, हम सारे के सारे जो कार्बन इमिशन है कोशिश करेंगे अपने सॉयल के पास लेके आए, सॉयल के अंदर लेके आए, और उसको यूटिलाइज करें एज ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्योंकि देखिए, कोई भी प्लांट्स हो, सॉयल हो, उसको ग्रो करने के लिए कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। फोटोसिंथेसिस में भी कार्बन का रिक्वायरमेंट होता है, तो क्यों ना जो CO2 मौजूद है हम उसको सॉयल के नीचे लेके आए और उसका सही से यूटिलाइजेशन करें। तो ये कॉन्सेप्ट है कार्बन फार्मिंग का। अलग अलग मेथड है इसका, जो आगे चल के हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा कार्बन फार्मिंग किया जा सकता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और बेनिफिट्स क्या क्या हमारे किसानों को हो सकता है, हम लोग को हो सकता है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक कार्बन फार्मिंग क्या है आपको समझ में आ गया होगा। जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन है, कोशिश करेंगे हम उसको वापस से अपने प्लांट, बायोमास, सॉयल में लेके आए, और ये अलग अलग मेथड से हम लोग लाएंगे। ये जो प्रोसेस है, इसमें केयरफुल प्लानिंग का जरूरत है, मॉनिटरिंग का जरूरत है, एडॉप्शन का जरूरत है, और लोकल कंडीशंस को भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। सबसे पहले आपको बता दें, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन सबसे बड़ा महत्व तो इसी का है। क्लाइमेट चेंज से लगातार जो है पूरी दुनिया है इसको देख रही है और महसूस कर रही है कि आने वाले समय में पक्का इसका इम्पैक्ट होगा। तो हम लोग क्लाइमेट चेंज जो मिटिगेशन है, सबसे पहला इम्पैक्ट तो यही देखेंगे। दूसरा है सॉयल हेल्थ इनहेंसमेंट। सॉयल को कार्बन चाहिए, और जब प्रचुर मात्रा में सॉयल में कार्बन मौजूद रहेगा तो सॉयल का जो हेल्थ है वो इन्हांस होगा। वो हम लोग नर्चर कर रहे हैं सॉयल को यहाँ पे कार्बन फार्मिंग से, तो ये बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट में बदल देंगे। उसके बाद बायोडायवर्सिटी इनरिचमेंट होगा, साथ में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। जैसे कि अगर कार्बन से एक होता है ना कि एक गुडविल बनेगा कि ठीक है, आप जो है कार्बन को कम कर रहे हैं, उसके थ्रू आप ये खेती कर रहे हैं, तो फार्मर्स के लिए भी जो कंज्यूमर्स रहेंगे वो ज़्यादा प्राइस पे करेंगे। बहुत सारे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आएगी। अब बात करते हैं टेक्निक्स इन्वॉल्व होता है। देखिए, अलग अलग क्रॉप्स को हम लोग यहाँ पे ग्रो करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को लेके आए सॉयल में। जैसे आप लेग्यूमिनस क्रॉप हो गया, जैसे पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, तो सारे क्रॉप्स लेके आएंगे। सबसे पहला जो इसका हम लोग देखेंगे जो टेक्निक है, वो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। आपको बता दें, जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन प्रोड्यूस होता है, तो जो ये फॉरेस्ट है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है कार्बन को। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को लगाएंगे, ग्रो करेंगे। ये जो क्या करेगा कि सॉयल कंडीशंस बढ़ाएगा और ट्रैप करके रखेगा CO2 को। दूसरा हो जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। आपको बता दें, एक तो फॉरेस्ट्री होता है, दूसरा हो गया एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो में हम लोग एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह हैं वो सबका जो है क्रॉप लगाएंगे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रैप करेगा। किसको ट्रैप करेगा? CO2 को। ग्रीन हाउस इमिशन जो होता है उस वो कम हो जाएगा। दूसरा है ग्रासलैंड कंजर्वेशन।
ग्रासलैंड कंजर्वेशन आप जाते हैं फील्ड में, जो ग्रासलैंड ओपन रहता है उसको हम लोग कंजर्व करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन इसमें हम लोग करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निक्स, जो टेक्निक्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर टेक्निक्स मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए जीरो टिलेज हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, कवर क्रॉपिंग हो गया, क्रॉप रेसिड्यू हो गया, ये सब जो है हम लोग मैनेजमेंट मिनिमाइज करेंगे और सॉइल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद रोटेशनल ग्रेजिंग भी कराएंगे। ग्रेजिंग क्या होता है, जैसे अगर लाइव स्टॉक, अगर किसान है उसके पास बहुत ज़्यादा आप देखेंगे फील्ड है और उसके पास वो एनिमल को भी रखे हुए हैं, अलग अलग कैटल्स हो गए, बफेलोस हो गए, जो भी कैटल्स में आएंगे, तो ऐसा नहीं कि एक ही जगह ग्रेज करवाएंगे और सारा वहाँ का ग्रासलैंड खत्म कर देंगे, रोटेशन वाइज करेंगे, आज यहाँ कर रहे हैं कल वहाँ करेंगे, इस टाइप का रोटेशनल ग्रेजिंग होगा। अब इससे अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिल जाता है, सबसे पहला अपॉर्चुनिटी है कार्बन क्रेडिट का, एक गुडविल जैसा कि मैंने पहले बात किया था, गुडविल बनेगा, लोग समझेंगे कि किसान ने यहाँ पे इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश की है, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ ये लड़ रहे हैं, इन्होंने किस तरह से अपना प्लांटेशन किया है, हेल्प किया है कंट्री को, हेल्प किया है पूरे वर्ल्ड को, किस तरह से कार्बन एमिशन कम हो, वापस ट्रैप हो सॉइल में। और इस तरह से ना सिर्फ हम लोग, एक पॉइंट आप याद रखेंगे, आप यहाँ इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे कि सिर्फ हम लोग कार्बन जो है उसको सॉइल में ला रहे हैं, उसको कार्बन एमिशन जो एटमॉस्फेयर में था उसको कम कर रहे हैं, साथ में हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। जितना ज़्यादा हम लोग ट्रैप करेंगे CO2 को, यहाँ पे वापस हम लोग लाएंगे सॉइल में, तो देखेंगे वो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जा रहा है, जो हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग बोलते हैं उसके तरफ भी हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद रीजनल सुटेबिलिटी, रीजन में एक थोड़ा सा वो बनेगा कि हाँ आप इंस्पिरेशन एक बनेंगे कि चलिए ठीक है आप ये कर रहे हैं, पर चैलेंजेस क्या क्या हैं हर प्रॉब्लम का। लेकिन कुछ भी इश्यूज अगर होता है तो प्रॉब्लम्स तो आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, और उसको आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तभी आप एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे, एग्जाम्पल बन पाएगा। अगर आज USA आप देखेंगे वर्ल्ड पावर है, तो उसके सामने भी स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे जिसको उसने ओवरकम किया है, तब जाके ये सुपर पावर है। अगर चाइना आज देखेंगे सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है, तो भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा होगा। तो उसी तरह अगर आप कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, आप अगर पहले कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, लेकिन आपको सारे चैलेंजेस को फेस करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें चैलेंजेस आएगा सॉइल कंपोजिशन, हमारा भारत बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग टाइप के सॉइल्स पाए जाते हैं, तो कहाँ पे कौन सा प्लांटेशन होगा, कौन सा वेजिटेटिव कवर होगा, ये सब हम लोग को बहुत ही मैच्योरली यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। ज्योग्राफिकल लोकेशन देखना पड़ेगा, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स देखना पड़ेगा, क्योंकि हर सॉइल टाइप में हर क्रॉप हम लोग नहीं लगा सकते हैं, तो हम लोग को क्रॉप्स भी वाइजली जो है चूज करना पड़ेगा, कौन सा क्रॉप हम लोग लगाएंगे कौन सा नहीं लगाएंगे। वाटर स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अलग अलग जगह पे, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई जगह पे वाटर स्कैरसिटी ज़्यादा है, वाटर की कमी ज़्यादा है, और हम लोग कोई ऐसा क्रॉप लगा देंगे जिसका हाई रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है, तो ऐसा भी कुछ हम लोग को नहीं करना है। और लिमिटेड पॉलिसी है, सबसे बड़ा देखिए एक दिक्कत आ गया कि गवर्नमेंट अभी कार्बन फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दे रहे हैं, कार्बन इमिशन कैसे कम करना है इस पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो कार्बन ट्रैपिंग जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे अभी गवर्नमेंट की उतनी मेजर पॉलिसीज है नहीं। जब ये पॉलिसीज आएंगी, बन के आएंगी, तो देखेंगे अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा। तो इसको मतलब कैसे हम लोग थोड़ा सा प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, अभी दो तीन दिन पहले रिसेंटली ये जो आर्टिकल है कार्बन फार्मिंग का द हिंदू में प्रिंट हुआ था, जिसपे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले फार्मर्स जो हैं उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा, उनको प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे किसान आप देखेंगे अभी भी गांव में जाएंगे तो वो ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट जो है वो कुछ बाहर से आता है तो नया अडॉप्ट करना नहीं चाहते, तो वो एडॉप्ट नहीं करना चाहेंगे, तो उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आप कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और सारे लोग मिलके जब इकट्ठा आएंगे, बात करेंगे इस पे, अवेयरनेस फैलाएंगे, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, बात करेगी, जिस तरह गवर्नमेंट ने देखेंगे पिछले कुछ रिसेंटली में ऑर्गेनिक फार्मिंग पर कितना ज़्यादा बात कर लिया कि आप ऐसे करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये फायदा है, बहुत सारे इसके बारे में बेनिफिट्स बताएं, तो जब धीरे धीरे ऐसे बातें होगी तो फार्मर्स इसको एडॉप्ट करना शुरू करेंगे। तो कार्बन फार्मिंग के दो फायदे हैं, आप एक तो क्लाइमेट चेंज में अपना रोल प्ले कर रहे हो, जो ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है इसको आप रिड्यूस कर रहे हो, दूसरा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, उम्मीद है आपको पता होगा, समझाने की जरूरत नहीं है,
लेकिन फिर भी अगर नहीं पता होगा तो कोई वैसा वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे ऐसे बहुत सारे टर्म्स जो एग्रीकल्चर के होते हैं वो मैं डिस्कस कर लूँगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो कार्बन फार्मिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।